हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई प्लेलिस्ट जो कि ऑटोमेटा एंड थ्योरी ऑफ कंपटीशन के ऊपर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है अगर कंप्यूटर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो। जितनी भी लैंग्वेजेस कंपाइलर्स अगर कहीं डिफाइन होते हैं, हम बनाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटा ओनली। तो इसके अंदर मैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कवर करवाऊंगा आपको कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इसके बारे में हम देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम नोटिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली डेफिनेशन के साथ में कि व्हाई स्टडी द थ्योरी ऑफ कंपटीशन, हम थ्योरी ऑफ कंपटीशन क्यों पढ़ते हैं। सो ऑटोमेटा इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। जो ऑटोमेटा होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है, किसके लिए? कंप्यूटर मॉडलिंग के लिए। सो ऑटोमेटा एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है कंप्यूटर मॉडलिंग के लिए। फिर बाद में व्हाई एब्स्ट्रैक्ट मशीन देन, अगर ऑटोमेटा एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है कंप्यूटर मॉडलिंग के लिए, तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन की क्या जरूरत है हमें? एब्स्ट्रैक्ट मशीन अलाउज अस टू मॉडल द इसेंशियल पैरामीटर्स एंड इग्नोर द नॉन इसेंशियल पैरामीटर्स। एब्स्ट्रैक्ट मशीन की मदद से हम मॉडल कर सकते हैं जो कि जो भी इसेंशियल पैरामीटर्स की हमें जरूरत है उनको हम ऐड कर सकते हैं, जिनकी नहीं जरूरत है हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप ख्यालों में एक मशीन बना रहे हैं कि मेरी मशीन के अंदर वो इतने आरपीएम के ऊपर काम करेगी, इतना उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर मैं नॉर्मली एक घर में मोटर की बात कर रहा हूँ वो कैसे काम करेगी, वहीं कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो आपने एक मशीन, आप एब्स्ट्रैक्टली सोच रहे हो कि मेरे मशीन के अंदर इतने हार्डवेयर होंगे, एक हार्डवेयर ऐसे काम करेगा, दूसरा ऐसे काम करेगा, उसका ये पर्टिकुलर टास्क होगा। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। एक्चुअल में अभी तक हमने इसको रियल फिजिकल वर्ल्ड में लेके नहीं आए हैं, बस ये हमारे ख्यालों में है, इसका हमारे पास में ब्लूप्रिंट है। तो इसके अंदर हम जो भी इसेंशियल पैरामीटर्स हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो नहीं हमें जरूरत है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज कंप्यूटेबिलिटी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, बट आवर नोशन ऑफ कंप्यूटेशन एग्जाम्पल्स आर, आप ये देख सकते हो कि एडिंग टू नंबर्स, दिस इज ऑल्सो कंप्यूटेबिलिटी। फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो कंप्यूटेशन। मल्टीपल टू मैट्रिसेस, दिस इज ऑल्सो कंप्यूटेशन, एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबो हैव एल्गोरिदम्स। व्हाट इज नॉट कंप्यूटेबल? कंप्यूटेबल क्या नहीं है? एग्जाम्पल के लिए हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम की जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि एक प्रोग्राम है वो चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुक गया। सिंपली राइट अ प्रोग्राम दैट एग्जामिन्स अदर प्रोग्राम्स टू डिटरमाइन इफ दे हॉल्ट और लूप फॉर एवर। सिंपली हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम ये एग्जामिन कर रहे हैं कि जो दूसरा प्रोग्राम है वो होल्ट करेगा या फिर लूप करेगा हमेशा के लिए। हम सिर्फ ये एग्जामिन करने के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं। ऑब्वियसली वेदर और नॉट अ प्रोग्राम हॉल्ट्स डिपेंड ऑन द डेटा इट इज फीड। सो इन दिस केस वी मीन प्रोग्राम टू बी कॉल्ड प्लस द कॉल्ड डेटा टू इट ऑपरेट्स ऑन। तो सिंपली कोई भी चीज हॉल्ट करती है या लूप में चली जाती है तो वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि हम किस तरीके का डेटा उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर में बताया था कि आपका जो प्रोग्राम है वो बग फ्री नहीं हो सकता है। हम उसको कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि ये पूरा बग फ्री है। तो बग होता है वो, लेकिन तभी इन्वोक होता है जब हम अप्रोप्रिएट डेटा उसको इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर इनपुट एज एन इनपुट उसको देते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना कि किसके ऊपर होल्ट, किस डेटा को देने से होल्ट पैदा होगा या किस डेटा को देने से एक इन्फिनिटी लूप लग जाएगा, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटेबल कंप्यूटेशन। एक्चुअली दीज आर नॉट कंप्यूटेबल इजिली, सो वी कैन नॉट इंक्लूड दिस इन अन आवर कंप्यूटेबिलिटी प्रॉब्लम्स। ओके, देन व्हाई इट इज नॉट कंप्यूटेबल? सिंपल आंसर, नो एल्गोरिदम एग्जिस्ट। इसके लिए कोई एल्गोरिदम ही एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए नहीं है। सम कंप्यूटेशंस टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू बी मीनिंगफुल। एग्जाम्पल ट्रेवलिंग सेल्स प्रॉब्लम है। अब ट्रेवलिंग सेल्स प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो कि आप एक यहाँ पर हो, मतलब बैंगलोर की बात कर लेता हूँ कि आप हो कंगेरी के अंदर, ठीक है, और कंगेरी से आपको जाना है
कोई दूसरी जगह पर जयनगर जाना है, और जयनगर जाते हुए आप, जयनगर से आते हुए आप आए कुमलुगुड़, और वापस आपको आना है किंगेरी। तो और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, तो इस तरीके से वो जाए कि घूम के वापस से इधर ही आ जाए, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो ये ट्रैवलिंग सेल्स प्रॉब्लम्स के अंदर डिफाइन होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। व्हेन द कंप्यूटेशंस आर नॉट फिनिश्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम, सच कंप्यूटेशंस आर यूजलेस, ऑल्सो नोन एज एनपी प्रॉब्लम, जिनको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। कि अगर आपकी कंप्यूटेशन अगर रीजनेबल टाइम के अंदर फिनिश ही नहीं हो रही है, तो ऐसी कंप्यूटेशंस का क्या मतलब, यूजलेस है हमारे लिए। फिर हमारे पास में है ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, सो अ प्रॉब्लम दैट इज सॉल्वेबल बाय अ पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स, वो प्रॉब्लम जो कि हम पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। द अपर बाउंड इज अ पॉलिनोमियल एंड एग्जांपल इज क्विक शॉट, ऑफ कोर्स बिकॉज एन लॉग एन इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल एग्जाम्पल, सो बिकॉज एन वॉट एवर एन इज हेयर इट्स लाइक 2 0 1, दिस इज द फीचर ऑफ और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर कंसिडर्ड इन ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, जिनको हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम अ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स, द लोअर बाउंड इज एक्सपोनेंशियल एग्जाम्पल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स। सो वो प्रॉब्लम जो कि पॉलिनोमियल टाइम पीरियड में नहीं खत्म हो रहे हैं, इट इज टेकिंग एक्सपोनेंशियल टाइम, सच एज सपोज मैं ये बता रहा हूँ, ये वाली प्रॉब्लम्स हो गई हमारे पास में एक्सपोनेंशियल की पावर एनीथिंग, सो इट इज टेकिंग एक्सपोनेंशियल पावर। सो व्हाई दीज आर इनएफिशिएंट प्रॉब्लम्स, लेट मी टेल यू समथिंग रिगार्डिंग दैट, कि सपोज इफ वी आर इंक्रीजिंग एन, सो डायरेक्टली इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ओके, बट इन पॉलिनोमियल इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट डायरेक्टली रीचिंग टुवर्ड्स द इंफिनिटी, इन लॉग एन प्रॉब्लम इट इज समवेयर इट्स लाइक दैट, इट इज लाइक दैट, सो बट इन लॉग एन इट इज लाइक दैट। सो ऑफ कोर्स देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्टिव एंड टर्मिनोलॉजीज इन साइड दैट, सो वील डिस्कस इट फर्दर, ओके। देन सम इम्पॉर्टेंट अप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, वॉट ऑल आर, सी फर्स्ट इज इन कंपाइलर्स, सो इन लैक्सिकल एनालाइजर और फ्रेजर जनरेटर्स, सो आई विल टेल यू दीज थिंग्स इन डिटेल, आई विल ऑल्सो टेल यू द सी कंपाइलर इन साइड लाइक डिफरेंट फेजेस ऑफ सी कंपाइलर्स, सो आई विल टेल यू, बट नाउ आई एम टेलिंग यू कि कंपाइलर डिजाइन के अंदर भी जो हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बिना हम बिल्कुल भी उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर है मॉडलिंग दी सर्किट्स, अगर हम सर्किट बना रहे हैं सिंपल सर्किट ऑन एंड ऑफ स्विचिंग, ये सिर्फ छोटे छोटे सर्किट भी बना रहे हैं हम, तो उसके लिए भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बता रहे हैं कि भैया इनिशियल स्टेज में वो इस ऑफ स्टेट में है, फिर बाद में उसको कुछ इनपुट दिया तो वो ऑफ स्टेट में आ गया या फिर ऑन स्टेट में हो गया, तो ऐसे वो स्टेट चेंज कर रहा है, तो मॉडलिंग द सर्किट्स इज ऑल्सो केम इन टू द ऑटोमेटा थ्योरी ओनली। देन सम इम्पॉर्टेंट अप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी इन जनरल, वर्ड सर्च एंड ट्रांसलेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस, सी वॉट एवर द नेचुरल लैंग्वेज सच एज हिंदी इंग्लिश, वी आर ट्रांसलेटिंग इन टू दी मशीन लैंग्वेज, सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, वी कैन डिजाइन सच काइंड ऑफ कंपाइलर्स विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। देन वी हैव पैरिटी चेकर्स, वेंडिंग मशीन्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, वीडियो गेम्स ऑफकोर्स, डीएनए, देन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टूडेज एरा, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड बाय विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, टू मॉडल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्लूइड फ्लो एंड मोर, देन लाइक स्नो स्नैक्स एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन, चॉस थ्योरी, कॉस्मोलॉजी, फाइनेंशियल एनालिसिस, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी ओनली। देन वाई नॉट यूज इंग्लिश टू प्रोग्राम, हम इंग्लिश को यूज क्यों नहीं करते हैं या कोई और लैंग्वेज को यूज क्यों नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, क्यों हम सिंपली ये सी लैंग्वेज के अंदर आप देख रहे हो इंग्लिश को डायरेक्टली क्यों यूज नहीं करते हैं हम प्रोग्रामिंग के लिए, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। सो
सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, ईटीसी आर द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। दीज आर द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज ये है गुड, तो मैंने बोला एक गुड के देखते हैं अपन कितने मतलब होते हैं। सपोज मान लो कि आपको कोई चीज अच्छी लगी तो आप बोलते हो अच्छा है, ठीक है। आप किसी को ऐसे शक की नजरों से देख रहे हो, अच्छा तुमने किया, अच्छा। तो यहाँ पर एक्सेंट भी, बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो हम बोलते हैं एग्जैक्टली उसका मतलब वो नहीं होता है जब तक कि हम उसको कॉन्टेक्स्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम करके ना देखें कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्रेमिंग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसको एक मशीन को इतना एडवांस समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डायरेक्टली। अगर मशीन लैंग्वेज पे अगर इसको हम कोड करने बैठे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज टू से मीनिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल टेक अ वर्ड चार्ज, चार्ज ले लिया आपने। देर आर मैनी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लाइक कॉस्ट, फ्लाइट, चार्ज द बैटरी। सो लाइक कॉस्ट क्या है, कितना चार्ज लग रहा है भैया, इसके टर्म में भी हो सकता है। फिर बाद में चार्ज, फ्लाइट भाई तुम ज्यादा ही चार्ज हो गए, फ्लाइट उड़ रहे हो हवा में। देन चार्ज द बैटरी, बैटरी को चार्ज करने वाला, पॉजिटिव चार्ज, ईटीसी। सो एक ही वर्ड का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसकी की मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हम जो नेचुरल लैंग्वेज है उनको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते प्रोग्राम के लिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस? इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस मीनिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एज आई टोल्ड यू कि इसकी जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती है। दे आर डेवलप्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग द ह्यूमन बींग। ओके, ये डेवलप की गई थी कि हम ह्यूमन बींग्स के बिटवीन कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सके। ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल और ट्रेन टू इंटरप्रेट सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस ही उसके लिए वो इतने टाइम से डेवलप होती हुई आ रही है कि बचपन से हम उसको डेवलप कर रहे हैं अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही। क्योंकि ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन मशीन, कि वो आसानी से इंटरप्रेट कर लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन। अगर उसको समझना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो वो आसानी से समझ लेते हैं एक सेंटेंस को कि वो किस सिचुएशन के प्रोस्पेक्टिव में वो बात बोली गई है। वेयर एज मशीन्स आर नॉट इन कॉन्टेक्स्ट, मशीन विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। सो इस काम में मशीन थोड़ा सा लैग करती है। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस, फॉर्मल लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अ वर्ड और सेंटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो सेंटेंस और वर्ड के ऊपर उनका मतलब डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये जो वर्ड और सेंटेंस है ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कतई डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। देन वर्ड्स आर एंड सेंटेंसेस हैव ओनली वन मीनिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। इन दोनों का एक ही मतलब, अपना एक यूनिक मतलब होता है। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आधारित ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दे आर सिंपल इनफ, इजी टू राइट, कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर। अगर इंटरप्टर की बात की जाए, अगर इनके इंटरप्टर्स की बात की जाए और कंपाइलर्स की बात की जाए, तो हम इजीली उनको बना सकते हैं। दे आर प्रसाइज इन देयर मीनिंग, विद दिस मशीन डू वॉट दे आर इंस्ट्रक्टेड टू डू। ओके, देन वॉट इज द जिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट? अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डिप्लिक्टिंग द प्रॉब्लम सो दैट इट सिचुएशन सॉरी सॉल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, अ सिस्टमेटिक वे कि हम कोई भी प्रॉब्लम को डिपिक्ट करने के लिए जो सिस्टमेटिक वे है जिससे कि हम सॉल्यूशंस को आराम से समझ सकें और एनालाइज कर सकें। वट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस? वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि रेगुलर लैंग्वेजेस हो गई, फिर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हो गई, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस हो गई, फिर रिकर्सिव इन इन्यूरेबल
इन रेबल लैंग्वेजेस हो गई। सो इसके बारे में भी, इनुमरेशन के बारे में तो आपने सी में पढ़ा ही होगा कि इनम लगाकर हम करते हैं, तो वहां पर हम डिफाइन करते हैं कि सपोज ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ये हम डिफाइन कर देते हैं जैसे सी के अंदर, तो हमने देखा ही था। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा और उस लैंग्वेज को थोड़ा सा और विस्तार में यहाँ पर चर्चा में लाया गया है। ठीक है, फर्दर वी विल डिस्कस मोर अबाउट ऑल दिस स्टफ्स। ओके, देन वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा विल बी स्टडीड। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड वी हैव पुश डाउन ऑटोमेटा। सो वी विल सी अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन मोर डिटेल। देन वी हैव लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, देन वी हैव टर्निंग मशीन। सो दीज आर दी ऑटोमेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा दैट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियोज। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ नहीं है, एक डिटरमाइन, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी फाइनाइट जो स्टेट्स हैं वो डिटरमाइंड है। वहीं अपने पास में पुश डाउन हो गया, फिर बाद में अपने पास में लीनियर बाउंड ऑटोमेटा हो गया, फिर आपके पास में ट्यूरिंग मशीन्स हो गई। सो ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब आना बहुत जरूरी है। देन हाउ टू स्टडी, सी हमारे पास में पता तो होता है कि मतलब पढ़े तो पढ़े कैसे, हमारे पास में सिलेबस है लेकिन ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे है। सो स्टडी सब्जेक्ट इज मैथमेटिकल एंड लॉट्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग बहुत ही ज्यादा रिक्वायरेबल है। अगर मैं इसके प्री रिक्वेसाइट्स आपको दूँ, सो प्लीज गाइस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर को, या फिर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को या फिर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को देखिए। देर आर नंबर ऑफ थ्योरम्स एंड प्रूफ्स, इसके अंदर बहुत सी थ्योरम्स और प्रूफ्स हमें मिलेंगे। अंडरस्टैंड्स द डेफिनेशंस, मैथमेटिकली एग्जाम्पल्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर डेफिनेशंस। ओके, डेफिनेशंस एग्जाम्पल कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं डेफिनेशन के। डेफिनेशन डेफिनेशन होती है, उसको मैथमेटिकली वी हैव टू टेल द डेफिनेशन। आप एग्जाम्पल देकर कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते हो कि अगर मैं ये बोलूं कि 2 + 2 = 4 होता है, तो इसकी एक मैथमेटिकली एक डेफिनेशन होती है। आप एग्जाम्पल देकर कि ये नहीं बता सकते हो कि वट इज एडिशन, एडिशन आप ये नहीं बता सकते हो कि 2 + 2 = 4 होता है। दिस इज नॉट एन डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर एडिशन, एडिशन हैव इट्स ऑन डेफिनेशन। वही ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोस, थीटा, उन सब की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। इंटीग्रेशन की अपनी एक डेफिनेशन है। आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ये नहीं बोल सकते हो कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन है वो कोस थीटा हो गया डायरेक्टली, माइनस कोस थीटा हो गया, तो ये उसकी कोई डेफिनेशन नहीं हुई है इंटीग्रेशन की, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल कभी भी उसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकता है। फिर है, एग्जाम्पल्स आर ओनली टू मेक द डेफिनेशन क्लियर। एग्जाम्पल की मदद से हम डेफिनेशंस को क्लियर कर सकते हैं। वर्क आउट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द वेरियस अदर बुक्स, आई विल रेफर यू सम अदर बुक्स फॉर दैट, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑफ दीज बुक्स इन माई लाइक डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक आउट। देन की टू अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट, अटेम्प्ट टू हार्ड वर्क प्रॉब्लम्स इवन इफ यू आर नॉट एबल गेट आंसर्स। देखो गाइज, एक चीज मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर जीत की कोई सीढ़ी है तो वो हार ही है। अगर आप हार भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी टाइम पे किसी व्यक्ति, किसी साइंटिस्ट ने सॉल्व की होगी, उससे पहले वो सभी के लिए हार रही होगी। ठीक है, तो अगर हार्ड प्रॉब्लम्स को अगर आपने देखना ही छोड़ दिया, अगर उसको स्किप करने लगे, तो आप एक मतलब डरने लग जाओगे। जितने भी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं उनसे डरने लग जाओगे, आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाओगे। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, तो उसके लिए आपको घंटों टाइम देना पड़ेगा, एक लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी और कुछ मैथमेटिकल स्टफ करना पड़ेगा। सी गाइज, कंपाइलर डिजाइनर इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत ही मतलब बहुत मजेदार है। इफ यू प्लान टू टेक अप गेट एग्जामिनेशन ऑफ पीजी स्टडीज, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट थोरोली। तो अगर आप उनके लिए जा रहे हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए, यू मान लो भगवान है सर, तो इस सब्जेक्ट को तो आप बिल्कुल ना छोड़िए। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, या पीजी के लिए, अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो आप इस सब्जेक्ट को तो बिल्कुल मत छोड़िए। तो स्टार्ट करता हूं मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो गाइज, मैंने आपको अभी तक बताया कि
एक्चुअल में सब्जेक्ट है क्या, ये कहाँ काम आता है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज, छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं उनको हम कवर करेंगे, और फिर बाद में धीरे धीरे हम और भी चीज़ें, और भी जैसे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ है, तो अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपका अधिकतर आपको आगे की प्रॉब्लम्स में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आप जरूर से इस वाले पोर्शन के ऊपर ज्यादा टाइम दें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्फाबेट। सो अल्फाबेट को हम इससे भी सिग्मा से भी हम उसको सिंबलाइज करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन है कि एन अल्फाबेट इज एन नॉन एम्प्टी सेट। गाइस पहली बात, सेट क्या होता है? सेट होता है कि हमारा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक ग्रुप होता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट, सो यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट एवरीथिंग। सपोज कि अगर मैंने बोला कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर के जितने भी नेचुरल पॉसिबल नेचुरल नंबर हैं वो यहाँ इस सेट के अंदर डाल देंगे। गाइस कुछ बुक में जीरो को नेचुरल नंबर माना जाता है, कुछ बुक में नहीं माना जाता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो उसी तरीके से अल्फाबेट है वो नॉन एम्प्टी सेट है। पहली बात ये ध्यान रखिए, नॉन एम्प्टी सेट। इट इज नॉट कि अगर इसकी कार्डिनेटी हम देखने गए तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ करेक्टर्स और सिंबल्स यूज सिग्मा टू डिनोट एन अल्फाबेट सेट। अगर हम अल्फाबेट सेट को डिनोट करना है तो वी विल यूज दिस सिग्मा ओनली, ओके। सो ये एक फाइनाइट सेट ऑफ करेक्टर्स और सिंबल्स है, नॉन एम्प्टी सेट है और फाइनाइट सेट है, इट इज नॉट इंफिनिटी। अगर आप ये सोचने लगे कि इंफिनिटी है, नहीं इंफिनिटी नहीं होगी इसकी वैल्यू। जैसे कि ये नेचुरल नंबर की बात की गई तो ये तो एक इंफिनिटी सेट हो गया, लेकिन ये एक फाइनाइट सेट है, ये आप ध्यान रखिए फाइनाइट सेट है। किसका? करेक्टर्स का, जो कि है तुम्हारे ए बी सी डी जो भी करेक्टर्स हैं, या फिर 0 1 2 अल्फा न्यूमरिक जितने भी हैं उनके करेक्टर्स, और फिर आपके सिंबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स, जैसे कि ये डॉलर हो गया आपके पास में, स्टार हो गया आपके पास में, एट द रेट हो गया आपके पास में, एम्बेसेंट हो गया आपके पास में। सो इन सबका एक सेट। तो सेट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके ये एक यूनिवर्सल सेट है, उनकी मदद से आप कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो। अल्फाबेट, एक अल्फाबेट, ठीक है, वो दूसरे अपने यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि अल्फाबेट हमारे पास में है ए टू बी, सॉरी करेक्टर्स है हमारे पास में ए टू बी जेड, ठीक है। उसमें से हमने सिर्फ लिया सबसेट, लिया ए अपना सिग्मा जो ये है वो एक सबसेट है इन इन सब का, तो उसमें हमने दो एलिमेंट लिए सिर्फ ये, तो ये हम देख पा रहे हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, ओके। सो दिस पर्टिकुलर सेट ये एक सबसेट है, ठीक है, जहां पर ये भी कवर है। तो गाइस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए और बी, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम दिखाते हैं, सेम लाइक व्हाट वी हैव स्टडीड इन 11th और 12th क्लास रिगार्डिंग दिस सेट। तो वो सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है गाइस। और अगर आपको फिर से इसके अंदर कोई डाउट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़िए, तो ये आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक अल्फाबेट है, ये भी एक अल्फाबेट है, ये भी एक अल्फाबेट है, ये भी एक अल्फाबेट है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दी अल्फाबेट। सो डेफिनेशन देखिए गाइस, यहाँ पर हमने डेफिनेशन दी लेकिन एग्जाम्पल से हम उसको समझा रहे हैं, तो एग्जाम्पल डेफिनेशन को क्लियर करती है, लेकिन एग्जाम्पल कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता डेफिनेशन का। आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम में, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आप इसको लिख रहे हो तो आपको डेफिनेशन देनी इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव स्ट्रिंग डेफिनेशंस, ओके। स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, एक स्ट्रिंग है वो एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सीक्वेंस, पॉसिबली एम्प्टी स्ट्रिंग कैन बी एम्प्टी स्ट्रिंग, लाइक हम स्पेस दे रहे हैं सिर्फ, तो वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। और करेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम सम
अल्फाबेट सिग्मा। सो इसके अंदर जो करेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग किसके मदद से बनी, तो स्ट्रिंग जो बनती है इट इज अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स जो कि अल्फाबेट सेट से हम लेके आते हैं। अल्फाबेट सेट की मदद से हम कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो हमारे पास में एप्सिलॉन, सो दिस इज अ एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर हमारे पास में कोई स्ट्रिंग नहीं है तो हम उसको एप्सिलॉन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन दिस इज लाइक सिग्मा स्टार इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा। सो सपोज यू हैव अल्फाबेट सिग्मा, दिस इज ए एंड बी, सो व्हाट ऑल आर द पॉसिबल स्ट्रिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन मेक एप्सिलॉन विद द हेल्प ऑफ लाइक नथिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। देन वी हैव ए, मैं बी से बना सकता हूँ, ए और बी के कॉम्बिनेशन से बन सकती है एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बी और ए के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, एक स्ट्रिंग ए और ए के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, फिर बी और बी के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, फिर ए ए के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, फिर ए ए बी के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये फाइनाइट सिक्वेंस, स्ट्रिंग इज ऑल्सो फाइनाइट सिक्वेंस, सो इट डिपेंड्स कि लाइक वॉट हमें उसका स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ये भी हमें बताया गया होगा कि एक स्ट्रिंग किसके आधार पर डिफाइन हुई है। कि सिर्फ ये बोल दे कि आपको एग्जाम्पल फर्दर मैं आपको आगे इसके एग्जाम्पल्स दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रिंग है, सपोज हमारे पास में अल्फाबेट सेट है ये 0 और 1, उसके ऊपर आधारित कौन कौन से स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स एम्प्टी स्ट्रिंग तो कर ही सकते हैं, फिर 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। एंड विद द हेल्प ऑफ ए वी कैन ऑल्सो जनरेट अ स्ट्रिंग। ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, देन ए, सो ऑन। हम इस तरीके से स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास में फंक्शंस कौन कौन से हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। एक स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं गाइस, अगर आपने पाइथन जैसी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हम लगा सकते हैं। पहला फंक्शन है लेंथ। अगर आपके पास में कोई स्ट्रिंग है जैसे कि मेरा नाम है चेतन, तो चेतन के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं। अगर मैं कार्डिनलिटी देखूं गाइस, ऑफ कोर्स आपको कार्डिनलिटी के बारे में तो पता ही होगा कि अगर आपको कोई सेट है ए और अगर आपको उसकी कार्डिनलिटी जाननी है तो हम सीधा सा ये कार्डिनलिटी का साइन लगाते हैं और हमें मिल जाती है उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड दैट। सो व्हाट ऑल आर द करेक्टर्स एंड एलिमेंट्स इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, दिस इज 1 2 3 4 5 6। सो व्हेन आई विल पुट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनसाइड दिस, सो आई विल गेट 6, ओके। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑन स्ट्रिंग। देन वी हैव सेकेंड फंक्शन कंकेटिनेशन। कॉस कंकेटिनेट टू जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग, इफ यू वॉन्ट टू जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग सो वी डू सच ऑपरेशन। सो इट कैन आइदर बी रिप्रेजेंट एज एन दिस और दिस और दिस, बोथ दीज आर सेम। लाइक सपोज आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब इज इट विद द हेल्प ऑफ दिस की एस 0 टी, सो दिस इज ऑल्सो कंकेटिनेशन। सपोज एस इक्वल्स टू सी एच ई टी एन चेतन एंड टी इक्वल्स टू वी आर एम ए वर्मा, सो कंकेटिनेशन मीन्स चेतन एंड वर्मा, देर इज नो स्पेस गाइज, सो चेतन वर्मा, ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो कंकेटिनेशन रिप्रेजेंटेशन। सो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। देन वी हैव रिप्लीकेशन। रिप्लीकेशन वॉट डज मीन ऑफ रिप्लीकेशन गाइज, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि रिप्लिका क्या होता है गाइस। कि कोई जैसे कि मैं कोई स्क्रीन चला रहा हूँ और उसका मेरे को बार 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 रिप्लिकेशन मिल रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट की थी गाइस तो उसके अंदर आप रिप्लिकेशन देख सकते हो। आप बार बार की शॉप पे जाते हो और बार बार की शॉप में एक आगे की तरफ मिरर होता है और एक पीछे की तरफ मिरर होता है, तो उसके अंदर बहुत से मिरर अंदर ही अंदर हमें दिखते रहते हैं, तो वो एक तरीके से रिप्लिका होता है गाइस। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर उसके ऊपर पावर लगाते हैं, तो ऑफ कोर्स ए की पावर 3 का मतलब क्या है, ए इनटू ए, सो ऑब्वियसली इफ ए इक्वल्स टू मैं मान लेता हूँ चेतन है और मैंने ए की पावर 3 लगा दिया, तो ये हो जाएगा चेतन चेतन
एंड चेतन. ओके, सो दिस इज मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन. सो स्ट्रिंग रेज्ड टू सम पावर, हम स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग्स जो है वो रेज करती हैं कुछ पावर्स को. जैसे ऑपरेटर्स जो है उसका वो ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये इसका ऑपरेटर है, वहीं इसका जो ऑपरेटर है वो ये है गाइज, ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो ऑपरेंड यूज होगा वो इसके अंदर यूज होगा एस, ठीक है. सो दिस इज सिंपल इनफ. देन वी हैव रिवर्सल. व्हाट डज मीन ऑफ रिवर्स? रिवर्स इज सिंपल, लाइक कि यार आपको अगर तुम्हारे पास में ये दे रखा है CHETAN, तो इसका रिवर्स कैसे करोगे गाइस? NATESC. सो दिस इज सिंपल रिवर्स स्ट्रिंग. रिवर्सल मीन्स रिवर्स द स्ट्रिंग, दैट्स इट. सो इसका जो ऑपरेटर होता है वो ये होता है, सपोज योर वर्ड इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू चेतन. सो इफ यू वॉन्ट टू रिवर्स चेतन, सो यू नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट कि आपको यहाँ पर ऊपर आर लगा देना है, दैट्स इट. दिस इज, सो इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ऑफ कोर्स एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, उसकी लेंथ जीरो ही होगी जैसा कि मैंने आपको बताया था. फिर आपका है 101, इसकी लेंथ क्या है? ऑफ कोर्स गाइस 3, यहाँ पर देख सकते हो वी ट्यू एड्यू सेट, इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3, ये स्पेशल करेक्टर है. 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. देन एग्जाम्पल ऑफ कंकेटिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. सो कंकेटिनेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? सपोज यू हैव एक्स एंड वाई, एक्स इक्वल्स टू गुड एंड वाई इक्वल्स टू स्टूडेंट. सो कंकेटिनेशन ऑपरेशन सच एज कि एक्स और वाई, या फिर आप ये भी लगा सकते हो, या फिर आप कुछ बुक में देखोगे कि वो ये भी देते हैं, ठीक है. अगर नहीं है तो गाइस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन दोनों चीजों से समझ सकते हो, और अगर आप एग्जाम में इतना भी लिखोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, डोंट वरी गाइस. तो एक्स वाई लिखो, लिखा आपने, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसके बिटवीन कोई गैप नहीं होता है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होता है, तो गुड स्टूडेंट, दैट्स इट. देन वी हैव रिप्लीकेशन ऑफ ए स्ट्रिंग. सपोज वी हैव स्ट्रिंग ए, सो वॉट इज वॉट डज इट मीन इफ we have power 3, so a, if we have god good, and inside that we have one string and this bracket has a power 3, so good, that's it. Suppose a has 0 and b is 3, we know a 0 means 1, okay, and this is nothing कि वो कह रहा है कि a 0 बार आना चाहिए. अगर 0 बार आना चाहिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग लेके आ जाओ वहां पर. तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, फिर हमारे पास में हो गया बी 3 बार, तो 1 2 3, 3 बार बी हमारे पास, दैट्स इट. फिर है हमारे पास में रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग के एग्जांपल्स. सपोज आपके पास में है ए बी सी, इसका रिवर्स मैंने आपको बताया कि इसकी पावर अगर आर है, अगर सिंबल आर से मैंने दे रखा है, तो इसका मतलब है रिवर्सल. सो सी बी ए, ये इसका रिवर्सल हो गया. सपोज आपके पास में एक्स ए बी और वाई सी डी, तो एक्स का अलग से होगा गाइस, अगर मैं इसको ये लिखूं ए बी एंड वी हैव सी डी और मैंने इसको पूरा आर किया, तो इसका होगा गाइस डी सी बी ए. तो डी सी क्या है गाइस, अगर मैं यहां से देखूं डी सी क्या है, ये कुछ और नहीं वाई का रिवर्सल है, वहीं बी ए क्या है, एक्स का रिवर्सल है. तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि दिस इज नथिंग जस्ट एन रिवर्सल ऑफ एक्स आर एंड वाई आर, ठीक है, कुछ और नहीं है, एक्स आर और वाई आर का रिवर्सल है. यही आप देख पा रहे हो गाइस कि ये कुछ नहीं सिर्फ रिवर्सल है इन दोनों का. अगर हम एक्स आर और वाई आर का रिवर्सल करें तो दिस इज नथिंग बी ए एंड डी सी, बी ए एंड डी सी. तो पहले इसका हो जाएगा, बी ए का हो जाएगा, और फिर डी सी का हो जाएगा, दैट्स इट. फिर है हमारे पास में रिलेशंस. ये रिलेशन ऑन स्ट्रिंग कुछ और नहीं है गाइज, जो भी हमने सेट्स के अंदर पढ़े थे वहां पर जो रिलेशंस देखे थे बस वही है. एक स्ट्रिंग है, उसकी मदद से हम सब स्ट्रिंग बना सकते हैं ऑब्वियसली. सो ए ए इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ ए ए ए एंड ऑल्सो ए ए ए बी बी सी सी. तो आपका मान लो मैं सी एक स्ट्रिंग लेता हूँ, आपका कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ बी सी डी ए,
और इसके अंदर से सिर्फ बी ले लेता हूं मैं। सो बी एक स्ट्रिंग है, यस। क्या है? ये इसके अंदर, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है, यस, इट बिलोंग्स टू दिस, सो दिस इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, वी कैन से दैट। ओके, सो आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। देन वी हैव प्रॉपर सब स्ट्रिंग। व्हाट डज मीन ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग? अ स्ट्रिंग एस इज अ प्रॉपर सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग टी। हमारे पास में एक टी है, एस एक प्रॉपर सब स्ट्रिंग है, किसका? स्ट्रिंग टी का। इफ एस इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ टी एंड एस, एस इज नॉट इक्वल टू टी। एस जो है वो सब स्ट्रिंग है टी का, लेकिन एस इक्वल टू नहीं है टी के। मतलब जितने भी टी के वो एलिमेंट्स हैं वो एस के अंदर नहीं होने चाहिए, जितने भी मतलब वो एक प्रॉपर पूरी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। उसके कुछ एलिमेंट्स हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर हो सकते हैं, लेकिन पूरे एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं, पूरे अल्फाबेट्स नहीं हो सकते हैं। कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, लेकिन सारा का सारा अल्फाबेट नहीं हो सकता है। तो उन सभी को हम प्रॉपर सब स्ट्रिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए ए ए, बी बी सी सी। तो ए इज अ प्रॉपर, क्या ये प्रॉपर है, प्रॉपर सब स्ट्रिंग है? यस इट इज। देन क्या ये आपका ए ए है? यस इट इज ऑल्सो प्रॉपर सब स्ट्रिंग। क्या हमारा ये ए ए ए ए है? ये भी है। अगर बी बी की बात करूं, ये भी है। ए ए ए बी बी, ये भी है, ये भी है। लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा यही ले लूं तो वो प्रॉपर सब स्ट्रिंग नहीं होगी। वो प्रॉपर, देखो नाम में ही कह रहे हैं कि प्रॉपर सब स्ट्रिंग चाहिए, हमें सब स्ट्रिंग नहीं चाहिए, वो स्ट्रिंग नहीं चाहिए है, उस प्रॉपर सब स्ट्रिंग चाहिए है। तो सब मतलब उसका छोटा पार्ट चाहिए, उसके अंदर सारे गुण नहीं होने चाहिए एक स्ट्रिंग के, उसके थोड़े बहुत चलेंगे लेकिन सारे के सारे नहीं चाहिए हमें। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है एस इक्वल्स टू गुड, देन प्रॉपर सब स्ट्रिंग्स आर ऑफकोर्स एम टी, जी जीओ जी ओ ओ, ओनली आर दी प्रॉपर सब स्ट्रिंग। अगर मैं जैसे ही जी ओ डी गुड लगा देता हूँ, ये नहीं होगा। देन वी हैव प्रीफिक्स एंड सफिक्स फंक्शंस। प्रीफिक्स और सफिक्स फंक्शंस क्या होते हैं गाइस? प्रीफिक्स से आप समझते हैं क्या हो? पहले तो प्रीफिक्स समझते हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है प्री, पहले, ठीक है, और सफिक्स मतलब बाद में। तो पहले, अ स्ट्रिंग एस इज अ प्रीफिक्स ऑफ टी इफ देयर एग्जिस्ट एक्स दैट बिलोंग्स टू दिस सब स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग, कि हमारे पास में टी इक्वल्स टू एस टी है, तो एक्स एक ऐसा, देर एग्जिस्ट सम एक्स, ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बिलोंग, जो कि मतलब किससे, किसका मतलब सबसेट है, ये हमारा इसका सबसेट है, कि जिसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, टी इक्वल्स टू एस एक्स। ओके, सो देन वी हैव एप्सिलॉन, ऑफ कोर्स व्हाट कैन बी एक्स, दिस इज एप्सिलॉन एम टी, ए बी बी बी, फॉर प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग ए बी बी। अगर हमें इसका प्रीफिक्स बनाना है तो हम ये कोई भी इनकी मदद से हम बना सकते हैं। तो एस की मदद से हम कुछ ना कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि एस हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग एस इज अ प्रीफिक्स ऑफ टी, सो टी का प्रीफिक्स है बेसिकली। अगर हमें टी बनाना है तो एस की मदद से कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अगर मैं पहले एस लगा दूं, ठीक है, तो मैं टी बना सकता हूं। तो टी के लिए जो एस है वो एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है। इस टी को बनाने के लिए जो एस की भूमिका यहाँ पर है वो एक प्रीफिक्स की भूमिका है, ठीक है। सो प्रॉपर प्रीफिक्स, व्हाट डज मीन ऑफ प्रॉपर प्रीफिक्स? सो प्रॉपर प्रीफिक्स में आप ए बी बी मतलब एक्स, मान लो कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो आपने एक बार एक्स को ये भी ले लिया, तो अगर मेरे को टी इक्वल्स टू ए बी बी चाहिए तो व्हाट शुड बी एस देन? तो वो भी ए बी बी होगा, क्योंकि एक्स तो आपका एप्सिलॉन है, वो तो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो उसकी मदद से आप, अगर आप ये बनाने गए तो आपको ए बी बी मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर प्रीफिक्स की बात करोगे आप गाइस, अगर प्रॉपर प्रीफिक्स को समझना चाहते हो, तो उसके अंदर आप सारे करेक्टर्स आप नहीं ले सकते, सारे अल्फाबेट्स आप एज एन एक्स एस नहीं ले सकते हो। आप अप टू जो भी उसकी लेंथ है, टी की जो भी लेंथ है,
अगर इसकी लेंथ है एल, तो आप एस की जो लेंथ होगी वो L-1 होगी, ठीक है। जो नंबर ऑफ करेक्टर्स एस के अंदर होंगे वो L-L1 ही होंगे, मैक्स टू मैक्स, एट मोस्ट बोल सकता हूं मैं इसको, एट मोस्ट इतने ही होंगे। जीरो भी हो सकता है, जीरो होगा तो ऑफकोर्स एम्प्टी होगा, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम्पल आप यहाँ देख ही सकते हो, ई ए ए बी फॉर प्रॉपर प्रिफिक्स ऑफ स्ट्रिंग ABB। सो ABB को बनाना है तो या तो हम नॉन एम्प्टी एम्प्टी रख सकते हैं, नॉन एम्प्टी में या ए रख सकता हूँ या फिर ABB रख सकता हूँ। प्रिफिक्स बना रहा हूँ भैया, मैं प्रिफिक्स बना रहा हूँ, ध्यान रखना। तो प्रिफिक्स में अब आप बोलोगे क्या बीबी नहीं रख सकता, क्या बीबी की मदद से प्रिफिक्स ये पर्टिकुलर बना सकते हो? अगर एस आपका बीबी है, ठीक है, और टी इक्वल्स टू हमें बनाना है ABB, तो एक्स आपने ले लिया, मान लो कुछ भी ले लिया आपने, बी ले लिया, ठीक है, तो क्या मैं इससे बना सकता हूँ एस आपका हो गया, हाँ एस आपका हो गया बी बी, एक्स हो गया बी, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अगर मेरे को ये बनाना है तो प्रिफिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें एस को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया पहले स्टार्टिंग इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, स्टार्टिंग स्ट्रिंग क्या है, वही आपका इसके अंदर जाएगा। तो इसे ही हम बोलते हैं प्रिफिक्स फंक्शन। प्रिफिक्स बहुत ही आसान है, इसी का अपोजिट है सफिक्स। ऑफ कोर्स नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लास्ट में आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि स्ट्रिंग एस इज अ सफिक्स, जो स्ट्रिंग एस है वो आपका सफिक्स होगा ऑफ टी, किसका? टी का। कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट सम एक्स दैट बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है कि जो भी आपका आपका एक स्ट्रिंग सेट है जिसको आप स्ट्रिंग बोल रहे हो बेसिकली, उसके अंदर उसका एक्स एक पार्ट है और वो टी यहां पर डिफाइन हो रहा है टी इक्वल्स टू एक्स एस से, ठीक है। तो यहां पर एस आप देख पा रहे हो एंड में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, LSB पे आ रहा है। LSB मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब सबसे लास्ट में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। पहले आता तो ये क्या हो जाता? प्रिफिक्स फंक्शन हो जाता। तो मान लो कि अगर हम ABB बनाना है हमें, तो हमारा इसके लिए टी अगर ये है और एक्स आपका ए है, तो SBB होगा। अगर आपका एस अगर एक्स है आपका ए बी, तो एस हो जाएगा आपका बी। अगर एक्स है आपका ए बी बी, तो एस हो जाएगा आपका ए बी बी बी, ठीक है। सफिक्स इस कंडीशन में सफिक्स ये हो सकता है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर सफिक्स की अगर हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर सफिक्स की बात, सफिक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, तब ये हो सकता है, ठीक है। सॉरी गाइस, एक चीज मैंने गलत कर दी यहाँ पर। ये होगा इस कंडीशन में ये, और अगर मैं प्रॉपर इसकी बात करूं कि अगर ये एम्प्टी है तो ये ABB हो सकता है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ अगर हम प्रॉपर के केस में बात करें तो क्या होगा? प्रॉपर के केस में कुछ नहीं, ये वाला पार्ट जो लास्ट वाला केस है वो कंसिडर नहीं किया जा सकता प्रॉपर के केस में, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस कंसिडर नहीं किया जा सकता अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल टी की बात कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि एप्सिलॉन बी 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 आर प्रॉपर सफिक्सेस ऑन स्ट्रिंग ABB, ठीक है। लेकिन हम ये इसको हम सफिक्सेस नहीं बना सकते, इसको हम सफिक्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप ये समझ गए हो। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए गाइस, मैं एक सेपरेट डाउट सेशन की वीडियो इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। देन वी हैव लैंग्वेज, हमें पता है गाइस पहले क्या आता है, जब भी हम बचपन में पढ़ते हैं ABCD पढ़ी, फिर हमने उनके कॉम्बिनेशन से कुछ कुछ स्ट्रिंग बना बना के देखी, जैसे कि हम बचपन में देखते थे आ, फिर ABB, अलग अलग हम कॉम्बिनेशन बना बना के देख रहे थे। लेकिन उनका एक पर्टिकुलर, अगर हमें एक मीनिंगफुल स्ट्रिंग चाहिए तो उन करेक्टर्स का एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है, तभी वो मीनिंगफुल आपको स्ट्रिंग देगी। फिर हम लैंग्वेज अगर डिफाइन करते हैं तो ये क्या होता है कि ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, ये वर्ड, स्ट्रिंग कुछ नहीं है, एक वर्ड है। अगर वर्ड के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है?
आपका लैंग्वेज बनता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आई ए एम, ये क्या है, ये सारे आपके अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स की मदद से मैंने बना लिया, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग का निर्माण कर लिया अल्फाबेट की मदद से, आई एम, ओके, और ये हो गया मेरा चेतन। तो अगर मेरे को लैंग्वेज बनानी है तो मैंने एक लैंग्वेज ऐसे बना ली कि आई एम चेतन, ये मेरी एक लैंग्वेज L1 हो गई, ठीक है। इसके अंदर दूसरा हो सकता है चेतन एम आई, ठीक है, तो ये L1 इस तरीके से। तो पहले हमारे पास में अल्फाबेट आया, फिर हमारे पास में आई वर्ड्स, फिर बाद में हमारे पास में इंट्रोड्यूस हुई लैंग्वेज। तो आप इसके अंदर भी देख सकते हो कि अल्फाबेट हमारा ए है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन जो दी है, अ लैंग्वेज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इट कैन बी इनफाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग का सेट है, किसका सेट है, स्ट्रिंग का, ओवर अ फाइनाइट अल्फाबेट जो आपका सिग्मा है। तो ऑफ कोर्स स्ट्रिंग किसके ऊपर डिफाइन होती है, सिग्मा के ऊपर, अल्फाबेट सेट के ऊपर ही तो डिफाइन होती है। और हमें पता ही है कि जो आपका ये अल्फाबेट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, सो स्ट्रिंग डिफाइन होती है अल्फाबेट सेट के ऊपर। वही जो आपकी स्ट्रिंग है, सेट ऑफ स्ट्रिंग है, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं आप तो फाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। सो उसके आधार पे हमारी लैंग्वेज निर्धारित होती है, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में अल्फाबेट है ए, सिर्फ ए ही है, ठीक है। फॉलोइंग लैंग्वेजेस कैन बी डिराइव, तो हम ए की मदद से क्या क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं, ए बना सकते हैं, ए ए ए बना सकते हैं, फिर ए ए ए ए ए बना सकते हैं, इस अप टू इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स वी कैन मेक। और इन्हीं स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से बनती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज नथिंग जस्ट अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग आप समझिए कि स्ट्रिंग कुछ नहीं है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, और लैंग्वेज कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, दैट्स इट। देन वी हैव लैंग्वेज टू, इन इन विच वी हैव एम्प्टी स्ट्रिंग ऑल्सो वी हैव, देन दिस इज लैंग्वेज टू, लैंग्वेज थ्री वी, दिस इज लैंग्वेज थ्री, दिस इज लैंग्वेज फोर। सो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ ए। सो इट्स ऑल अबाउट रूल एंड रेगुलेशन ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज हैव इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेक टू मेक मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, ओके। जैसे कि आई एम चेतन, तो ये आई पहले आएगा, फिर एम आएगा, फिर चेतन आएगा, ये रूल डिफाइंड किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज ने, ठीक है। आई एक आपका करेक्टर है, एम एक आपके अल्फाबेट से, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक पर्टिकुलर एम स्ट्रिंग बनी, ए और एम के कॉम्बिनेशन से, ए और एम के कॉम्बिनेशन से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनी। सो फिर हमने उसको एक अप्रोप्रिएट जगह पर डाला एक लैंग्वेज में, तो उसका एक मीनिंगफुल जो मतलब समझ, जिससे हम समझ सकते हैं कुछ मीनिंग निकल के आया उसका, तो वो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बना। तो हर एक लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। नोट, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट कैन बी डिराइव्ड इवन फ्रॉम सिंगल अल्फाबेट सेट इज इनफाइनाइट। सो ऑफ कोर्स एक, अगर हम अल्फाबेट से, एक अल्फाबेट से भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हम बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज से, एक अल्फाबेट से कुछ फाइनाइट ही बनेंगे। आप सोच के देखिए, एक अल्फाबेट से हम इनफाइनाइट लैंग्वेजेस बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास में 26 लेटर्स हैं, जैसे कि ABCD के अंदर 26 लेटर्स हो सकते हैं, तो उसकी मदद से हम कितनी ही लैंग्वेजेस बना सकते हैं। गाइस कैन यू सी, कि देखिए हमारे इंग्लिश अल्फाबेट से तो बनते ही हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो हमने देखा ही है फ्रेंच लैंग्वेज, और भी लैंग्वेजेस हैं हमारे सामने, तो इंग्लिश की मदद से बनी जा रही है। तो लेकिन हर एक के कॉम्बिनेशन जो कि वर्ड्स हैं वो अलग हैं, स्ट्रिंग्स अलग हैं, उनकी ग्रामर अलग है, तो लैंग्वेज रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज 1 है, लेकिन वो भी डिफाइंड है ए से लेकर जेड इन अल्फाबेट्स के ऊपर। इनसे बनने वाली स्ट्रिंग्स जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स अलग हैं और उनकी ग्रामर भी अलग है कि वो किस फॉर्मेशंस में आएंगी। वहीं फ्रेंच हमारी दूसरी लैंग्वेज है, वो भी इसी के ऊपर डिफाइंड है, और उससे उसके ऊपर बनने वाले वर्ड्स अलग हैं हमारे पास में, और उससे आने वाली मीनिंग भी अलग होगी और ग्रामर भी बिल्कुल अलग होगी। तो मैंने लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ही आपको
बताया गाइस, लेकिन ये है भी थोड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेज पूरा, हम जितना भी पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पूरा लैंग्वेज ही तो है, और क्या है। तो लैंग्वेज के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है गाइस। फिर टेक्निक ऑफ डिफाइनिंग लैंग्वेजेस बाय इन्यूमरेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अगर हम इन्यूमरेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से अगर हम कोई भी लैंग्वेज है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिर्फ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं गाइस। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक डब्ल्यू है, वर्ड है, एक वर्ड है डब्ल्यू, जो कि डिफाइंड है किससे, ए और बी, एक अल्फाबेट सेट है आपके पास में, और उस अल्फाबेट सेट से हमने एक स्ट्रिंग बनाई। तो हमारे पास में स्ट्रिंग जो बनी हुई है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो स्ट्रिंग है डब्ल्यू, एक स्ट्रिंग है हमारे पास में, वो इस पर्टिकुलर सेट से आया है। तो वो हो सकता है ए, हो सकता है फाइव, हो सकता है ए बी, हो सकता है बी ए, हो सकता है ए ए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो फिर बाद में इन्होंने आगे और बताई है लैंग्वेज के बारे में, और डिफाइन किया। पहले तो डब्ल्यू को डिफाइन किया कि डब्ल्यू क्या है आपका, ठीक है, व्हाट इज डब्ल्यू, सो वो कहाँ से आया है, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग्स बिगिन विथ ए, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, पहली बात तो देख लो कि स्ट्रिंग किससे ऊपर डिफाइंड हुई, अल्फाबेट सेट से डिफाइन हुई, उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफाइन हो रही है। लेकिन उन सारे कॉम्बिनेशन की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि इसके तो एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमें सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ में जा रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग ए से हो रही है, जैसे कि ऑफ कोर्स ये, फिर ये, फिर ये, फिर तुम्हारा ये, फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। एन नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रिंग कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज टू लेटर्स। तो वैसे तो बहुत सारे कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये चीज आ जाती है ना, वहां पर हम बहुत सारे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि दिस इज अ सबसेट, दिस इज अ सबसेट ऑफ पर्टिकुलर, दिस इज अ सब स्ट्रिंग, नॉट सबसेट गाइस, सब स्ट्रिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग। ये एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है जो कि सारी जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस हैं ए और बी से बनने वाले, जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं उनको ये बनाता है। तो गाइज कुछ नहीं है, बस जो मैंने ऊपर समझाया, बस आप उसके साथ में रिलेट करते जाइए, आप पूरी कहानी समझ जाओगे। तो ये वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, ठीक है। स्ट्रिंग्स नॉट इन एल आर, कौन कौन से स्ट्रिंग्स जो इसके अंदर नहीं हो सकती, सॉरी गाइज मैंने यहाँ पर एफ साइलेंट भी डाल दिया था गलती से, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ए अपने आप में ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो एप्साइलेंट जो इन्फिनिटी सेट है वो आपका बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आएगा, एल के अंदर नहीं आएगा। फिर बी है, बी ए है, आप जितने भी देख रहे हो, जो भी बी पहला वर्ड आ गया जहां पर, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो ये लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेटिस्फाई करेगी नहीं, वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है, जहां पर बी पहले आ गया। फिर आपका आपके पास है लेट, एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेकेंड, ये एग्जाम्पल था फर्स्ट। अगला एग्जाम्पल है कि एल, मान लीजिए आपके पास में है डब्ल्यू, उसकी एक स्ट्रिंग है, वो डिफाइन हो रही है, जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हम इस एक लेटर ए की मदद से बना सकते हैं। हमारे पास में अल्फाबेट सेट है सिर्फ ए, ठीक है, इसकी मदद से हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, ए होगा ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो ये भी है, फिर हमारे पास में ये भी होगा, ये हो गया, तीन ए हो गया, चार ए हो गया, पांच, सो ऑन, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। उसमें से हमें डब्ल्यू चाहिए, ठीक है, एक सब स्ट्रिंग चाहिए। अब इस डब्ल्यू की, इस सब स्ट्रिंग की क्या खासियत है, वो आगे डिफाइन की गई है। तो गाइस ये एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखने का तरीका होता है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा सब स्ट्रिंग होता है वो बिलोंग्स किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उस प्रॉपर सब स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग सेट है, उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर कितने लेटर्स है। सबसे पहले तो लेटर्स को डिफाइन करोगी, सपोज ए बी सी, कितने लेटर्स हैं, फिर उन सभी का कॉम्बिनेशन, उन सभी के कॉम्बिनेशन से बनी हुई स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है कि इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनी गई डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स। तो ये
तीनों की मदद से कौन कौन से स्ट्रिंग्स बन रही है उन सब का सेट, उस सेट का जो सब सेट है वो आपका ये डब्लू है। अब डब्लू को, इस डब्लू के बारे में, क्योंकि ये तो बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर, तो एन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकती है, हमें सबकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग की जरूरत है जिनकी लेंथ, इसका मतलब होता है लेंथ, क्योंकि ऊपर मैंने बताया था ना गाइस फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर, तो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए, इज शुड बी इवन, तो वही इसके अंदर आएगा। तो सपोज डब्ल्यू, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेट के अंदर, अगर इस सेट की बात करें तो इसके अंदर तो एम्प्टी सेट भी है, तो इस एम्प्टी सेट की लेंथ क्या होगी, जीरो, तो जीरो भी अपने आप में इवन ही है, ठीक है, तो वो भी इस लैंग्वेज का हिस्सा होगा। फिर क्या ए ए है, हाँ ए ए भी इस सेट का हिस्सा होगा। फिर क्या 4A, यस, जितने भी जिनकी कार्डिनलिटी, स्ट्रिंग की कार्डिनलिटी, अगर लेंथ उनकी आप बोल सकते हो, कार्डिनलिटी गलत शब्द है यहाँ पर, अगर उनकी लेंथ इवन नंबर है तो वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। कौन नहीं होगा, ऑड स्ट्रिंग्स नहीं होंगी, जैसे कि सिंग 1A, 3A, A की पावर 3, A की पावर 4, 5, A की पावर 7, A की पावर 9, सो ये यहाँ पर A की पावर 0, A की पावर 2, A की पावर 4, A की पावर 6, A की पावर 8, तो दीज आर दी सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है, दिस इज द लैंग्वेज। देन वी हैव एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में कि डिफाइन कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है अपने पास में जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे ये इस सेट से, ये एक सेट है, जहां पर भी ये आप देख लो ना गाइस, ये समझ जाना कि एक सेट है, किसका सेट है, स्ट्रिंग का सेट है, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, वो क्या हो सकता है, ए ऑफ कोर्स एम्प्टी, ए ए बी, बी ए, ए ए ए ए बी बी, देन ए ए ए ए बी अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, उसमें से हमें चाहिए ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनके लास्ट में ए आ रहा है, तो लास्ट में ए किसके आ रहा है, इसके तो नहीं आ रहा है, तो एम्प्टी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, क्या इसके लास्ट में आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्योंकि ये एक ही है, तो ये होगा, तो इसको हम लैंग्वेज में इंक्लूड कर लेते हैं, ए होगा, यस होगा, क्या ए भी होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में नहीं, इनिशियली ए आ रहा है, इस स्ट्रिंग के इनिशियली ही ए आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पर इसमें आ रहा है, हाँ लास्ट में आ रहा है, तो इसको हम सिंपली डाल देते हैं, क्या इस स्ट्रिंग के लास्ट में आ रहा है, ए आ रहा है, इसके में भी डाल देते हैं, क्या इसमें आ रहा है, नहीं, तो इसको नहीं डालेंगे, तो इस तरीके से लैंग्वेज बनेगी। तो ये जो हम काटते जा रहे हैं वो स्ट्रिंग्स हैं जो कि एल के अंदर नहीं होंगी, तो आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग्स जो कि एल के अंदर नहीं होंगी, तो सीधी सी बात है जिसके भी लास्ट में बी है वो एल के अंदर, वो स्ट्रिंग्स एल के अंदर नहीं होंगी, स्ट्रिंग्स नॉट इन एल आर दिस, ओके, लेट एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अपना पहला है, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, ये चौथा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, लेट डब्ल्यू है वो आपका, डब्ल्यू है आपका एक स्ट्रिंग जो कि मैं इसको रफ कर देता हूँ गाइस, एक सेकंड रुकिए, इसको मैंने कर दिया रफ, तो मेरे लिए जगह हो जाएगी लिखने के लिए, एक सेकंड, ये हो गया रफ आपका, तो आप देखिए गाइस यहाँ पर डब्ल्यू है हमारा एक स्ट्रिंग है, डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है जो कि इस सेट से डिफाइंड है, इस सेट का सब स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये एक सुपर सेट है जिसे मैं बोल सकता हूँ सुपर सेट, जिसके अंदर जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, सिर्फ एक ही लेटर का, एक ही लेटर से मिलकर हमारी और स्ट्रिंग्स बनी है, तो दिस इज अ सुपर सेट, और उसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स हैं जो डब्ल्यू है, दिस इज अ सब स्ट्रिंग और दिस पर्टिकुलर सुपर सुपर स्ट्रिंग सेट, ओके, सो डब्ल्यू की जो लेंथ होगी, जो इस डब्ल्यू की लेंथ होगी, अब इस डब्ल्यू को डिफाइन किया गया है, क्योंकि सब स्ट्रिंग तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो डिफाइन नहीं है, इसकी डेफिनेशन फर्दर दी गई है कि कौन हो सकता है, अगर मैं डब्ल्यू के लेंथ का अगर मैं मॉड्यूलस निकालू 3,
थ्री मॉड्यूलस तो वन आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए किस किस का थ्री वन आएगा, तो आप जितने भी मल्टीपल ऑफ थ्री है, जितने भी मल्टीपल ऑफ थ्री है उसमें वन जोड़ दो, तो ये इन सभी का अगर मैं मॉड्यूलो निकालूंगा तो वन ही आएगा। क्यों? क्योंकि वन प्लस कर रहा हूँ। अगर मैं वन माइन अगर ये थ्री एन होता तो अगर इसका रिमाइंडर क्या आता, ऑब्वियसली जीरो। अगर मैंने इसके अंदर वन प्लस कर दिया तो ऑब्वियसली इसका मॉड्यूलस कितना बचेगा, वन ही बचेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी लॉजिकल थ्योरी है गाइस। अगर आपको ये नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से समझ इसको फिर से आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो पहला कौन हो सकता है, एक ही सिर्फ सिंगल वन है, तो सबसे पहला कौन हो सकता है, क्या इन्फिनिटी हो सकता, वो एप्सिलॉन हो सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, एम्प्टी सेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या फिर बाद में हमारे पास में ये हो सकता है, वन हो सकता है? यस, एन इक्वल टू जीरो तो वन आएगा। क्या सिंगल ए हो सकता है? हाँ, अगर मैं इसका मॉड्यूलस निकालूंगा तो वन ही आएगा। सच में? नहीं, गलत हो गया है। देखिए, अगर मैं इसका मॉड्यूलस निकालूं तो पहली बात तो कोई नंबर ही नहीं है मेरे पास में, तो ऑफ कोर्स सॉरी गाइस, मैंने गलती से बता दिया, गलती से बोल दिया, इसका मॉड्यूलस जो रिमाइंडर आएगा वो वन ही आएगा। ठीक है, तो ए हो सकता है। फिर हमारे पास में क्या हो सकता है, ए की पावर 4। ठीक है, सो 4 क्या है, 3 × 1 प्लस फिर ए की पावर, मैं यहाँ लिखता हूँ गाइस, ए की पावर 5। 5 क्या है, 5 नहीं 7, 3 × 2 प्लस 1 फिर ए की पावर 10, 3 × 3 प्लस 1। तो ये सारे इस अब मेरे इस फॉर्मूले में, जो भी इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, एन की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो सारे इस लैंग्वेज में होंगे। क्या नहीं होगा इस लैंग्वेज में, वो नहीं होने वाला पार्ट ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बताया, ये इन्फिनिटी जो सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग है वो नहीं होगी, तुम्हारी इवन नंबर वो भी नहीं होगी, पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग के इस सॉरी इवन नंबर, गलती से बोल रहा हूँ भाई, अगर थ्री के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे ही इसके अंदर आएंगे, इस लैंग्वेज के अंदर नहीं आएंगे, और वो जिसका रिमाइंडर 2 बच रहा है, 1 के अलावा जो भी रिमाइंडर बच रहा है, सिंपल सी बात ये है, तो उनकी उस लेंथ के जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के पार्ट नहीं होंगे। तो आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर, एंड आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।